नमस्कार मित्रों जय माता दी स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो तुला राशि वालों हो जाइए सावधान खिड़की दरवाजे बंद करके देखना क्योंकि शरीर का एक एक पुर्जा अब ढीला होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो आपके जीवन के बहुत सारे राज को खोलने वाली है आपका आने वाला सप्ताह शानदार हो इसलिए आपको सतर्क करके सावधानी भी बताने वाली है वीडियो के अंत में उपाय भी है यानी कि 9 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक का यह समय आपके लिए कैसा रहेगा किन बातों का ध्यान रखना होगा किन गलतियों से बचकर रहना होगा किन उपायों को सच्ची श्रद्धा से बरतना होगा विस्तार से इस वीडियो में समस्त जानकारी है तो थोड़ा सा समय अगर आप दे देंगे तो आपका आने वाला सप्ताह सुधर सकता है उसमें चार चांद लग सकते हैं लेकिन सबसे पहले जितने भी सच्चे भक्त महाकाल के हैं वो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल ज़रूर लिखें आपके ऊपर भी बाबा महाकाल की कृपा जरूर बरसेगी तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं इन सात दिनों में आपके कार्यों की निंदा हो सकती है लोग आपको खरी खोटी सुना सकते हैं आपके निर्णयों पर आपको कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन आपको भी इतना ही ध्यान रखना है कि निंदा उसी की होती है जो ज़िंदा होता है और मरने के बाद तो हर कोई हमारी तारीफ करता है इसीलिए निंदा से कभी मत घबराइए अगर कोई व्यक्ति आपकी निंदा कर रहा है तो आपको उसका शुक्रगुजार रहना है क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी कमी आपको बता रहा है उस कमी को अगर आपने दूर कर दिया तो सोचिए आप कितने परफेक्ट बन सकते हैं आने वाले अगले सात दिनों में कोई खुशी भरा समाचार आपको मिलेगा आपके विरोधी खुद बखुद पीछे हट जाएंगे क्योंकि आप संकट मोचन हनुमान जी के भक्त जो ठहरे आने वाले सात दिनों में आपके कार्यों में सुगमता होगी कहने का तात्पर्य है आप बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित अपने कार्यों को संपन्न करेंगे आपके कार्यों का इतना शानदार रूप देखकर आपके बॉस भी आपसे प्रभावित होंगे वे आपके तरक्की की बात आगे बढ़ा सकते हैं ये बहुत बढ़िया बात है देखिए बुधवार और गुरुवार का जो दिन आएगा इन दो दिनों में धन प्राप्ति की बहुत संभावनाएँ नज़र आ रही हैं ये बहुत बढ़िया बात है आपको उन लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा जो अक्सर आपका विरोध करते थे तो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं या तो उनकी आंखें खुल गई है वो आपका अस्तित्व पहचान चुके हैं वो आपके व्यक्तित्व से वाकिफ हो चुके हैं या फिर वो किसी स्वार्थ के पीछे आपका साथ दे रहे हैं तो हमारा आपको यही अनुरोध रहेगा कि लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा आप न दिखाएं, आगे रहकर कोई आपकी चापलूसी कर रहा है तो उससे तो ख़ास तौर पर आप सावधान रहें इन सात दिनों में जो शुक्रवार और शनिवार का जो समय आएगा यानी ये जो दो दिन शुक्र शनि के हैं आपके परिवार का साथ आपको मिलने वाला है यकीन मानिए जब जिंदगी में कोई साथ खड़ा ना हो लेकिन हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा होता है तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी खड़े रहने की क्षमता अपने आप उत्पन्न हो जाती है कुछ अनपेक्षित शुभ समाचार आपको मिलेंगे यात्रा पर जाने के योग बन सकते हैं और वो पुराने मामले जो लंबे समय से अटके पड़े थे चाहे वो अदालत के थे चाहे पारिवारिक थे या फिर किसी भी तरह के रिश्तों में जो भी उलझे हुए मामले थे वो अब सुलझने वाले हैं इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है लेकिन जैसे ही मंगलवार का दिन आएगा संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिल पाएगा और उनके आशीर्वाद से आपके हर कार्य में तेज़ी देखने को मिलेगी ग्रह गोचर के नकारात्मक प्रभाव का क्या सिला निकलेगा ये जानना भी बहुत ज़रूरी है ये जो समय है ये बनते कार्यों को और भी ज़्यादा बनाने वाला है और बिगड़े कार्यों को सुलझाने वाला है लेकिन आलस्य का दामन छोड़कर आपको हर समय अपनी आँखों को खुला रखना होगा चारों ओर पैनी निगाहें बनाए रखनी होगी इंसान को भगवान देते हैं बहुत देते हैं लेकिन बहुत देने के बाद ये परीक्षा लेते हैं कि क्या ये व्यक्ति दिया हुआ धन संभालने के योग्य है क्या ये इसे अपने ऊपर सही ढंग से खर्च कर पाएगा क्या ये इसकी चौंद में बहुत ज़्यादा पागल तो नहीं हो जाएगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये समझ नहीं पाते कि भगवान कब उनकी परीक्षा ले रहे हैं और परीक्षा में नापास हो जाते हैं आपको बस इतना ठान लेना है कि ज़िंदगी में आप कितना भी पैसा कमा ले कितना भी हवा में उड़ ले आपको अपने पैर जो है वो ज़मीन पर रखने हैं और हर कार्य को हर समय शिद्दत और दिल लगा कर करना है आपके क्रोध में थोड़ी वृद्धि देखी जा सकती है इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा आपको आकस्मिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे एवं विदेश जाने में आ रही अड़चने अब समाप्त होने वाली है ये भी बहुत अच्छी बात है लेकिन कार्यों में व्यस्तता बहुत ज़्यादा बनी रहेगी इसी हेतु अब हम आपको सावधानियाँ बताने वाले हैं ये सावधानियाँ आपको मुसीबतों से बचा कर रखेगी इन सावधानियों को अगर आपने अपने जीवन पर लागू किया तो किसी खतरे का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा जिसमें सबसे पहले नंबर की सावधानी है अगर आपकी आय सीमित है अगर आपकी तनख्वाह कम आती है तो आप फिजूल खर्ची भूल कर भी ना करें वरना महीने के अंत तक बहुत बुरा हाल हो सकता है अक्सर आज के ज़माने के लोग ऐसा ही करते हैं उनकी तनख्वाह सीमित होती है लेकिन वो खर्चे महीने की शुरुआत में ही ढेर सारे कर लेते हैं और महीने के अंत तक ठंड गोपाल हो जाते हैं और इधर उधर कर्ज मांगते फिरते हैं तो हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने कहा है जितने चादर हो उतने ही पैर पसारो लेकिन हम इस बात को नहीं मानेंगे हम चादर को बढ़ाने का विचार बनाएंगे ताकि पैर पसारने के लिए हमारे पास बहुत सारी जगह हो यानी खर्चा करने के लिए हमारे पास बहुत सारा पैसा हो तो समय के साथ अपने आय के स्रोतों को बढ़ाइए अगर आपको खर्चा करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो अपने आय को भी बढ़ाने पर विचार ज़रूर करिए कार्यों में सुधार होगा पदोन्नति के अवसर मिलेंगे लेकिन शत्रुओं का एक अलग रूप देखने को मिलेगा क्योंकि इस बार जो अलग अलग शत्रु थे वो आपस में मिल चुके हैं और उनका टारगेट है आप मिल कर के वो आपको हनाना चाहते हैं लेकिन यकीन मानिए दस जने चाहे मिल जाए लेकिन अगर आपके गलत कर्म आपने नहीं किए हैं आपके मन में खोट नहीं है तो ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे इतना तो हम आपको गारंटी देते हैं आपकी इच्छा के विपरीत कार्य करने पर आप थोड़े मजबूर हो जाएंगे क्योंकि कुछ लोग आपसे ज़बरदस्ती कुछ काम कराएंगे या तो वो अपनी कसम दे देंगे या फिर दोस्ती का वास्ता दे देंगे या कुछ भी ऐसी बातें करेंगे जिससे आप उन कार्यों को भी करेंगे जो आप दिल से करना नहीं चाहते विचारों को दूसरे पर थोपने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें आपके सभी कार्य समय पर होंगे इस बात की तो गारंटी है लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी आप गलती से कर देंगे जिससे समाज में आप निंदा योग्य बन जाएंगे तो ऐसा कोई भी कृत्य आप ना करें यही हमारा आपको खास सुझाव रहेगा चूँकि चंद्रमा जो है वो पंच में चल रहा है पंचम में चल रहे हैं जिससे कि अप्रत्याशित लाभ होने वाला है संतान सुख में वृद्धि होने वाली है आपके घर के कुछ उपकरण खराब भी हो सकते हैं जरा सावधान रहिएगा सप्ताह के अंत में पुनः सुधार की संभावनाएं बन जाएगी और विवादों पे आपकी विजय प्राप्ति होने वाली है शांतिपूर्वक एवं सुख से आपका समय बीतने वाला है 9 से 15 अक्टूबर तक का किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी अगर आप वर्तमान समस्या को सुलझाते रहेंगे कहने का सीधा तात्पर्य अगर हम आज को सही कर लेते हैं तो आने वाला भविष्य अपने आप ही सही होता चला जाएगा किसी भी कागज़ पर बिना पढ़े बिना सोचे समझे हस्ताक्षर आपको नहीं करना है ये भी ध्यान रखें परिवार के साथ रहने का मौका आपको प्राप्त होगा पराक्रम का श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा आधुनिक संसाधनों की प्राप्ति होगी और वाहन सुख में भी बहुत विस्तार होने वाला है अब हम आपको दोस्तों उपायों के बारे में बताने वाले हैं सरल और साधारण उपाय ज़रा ध्यान से सुनिएगा आपके बहुत काम आने वाले हैं सबसे पहला उपाय रहेगा सोमवार के लिए आपको क्या करना है आपको बिल्वपत्र लेने हैं आप एक ले सकते हैं आप सात ले सकते हैं आप ग्यारह इक्यावन एक सौ आठ अपनी मर्जी अनुसार ले सकते हैं इन बिल्वपत्रों पर आपको चंदन से ओम बनाना है जी हाँ मात्र ओम बनाना है और शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए आपका काम जरूर होगा अगर आप शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन लगाते हैं और अपनी मनोकामनाओं को भगवान को बताते हैं तो भी संभावना है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी मंगलवार के दिन आप ग्यारह पीपल के पत्ते तोड़कर उन्हें साफ़ स्वच्छ जल में धोकर उन पर चंदन से प्रभु श्री राम का नाम लिखकर उनकी माला बनाकर अगर बजरंग बली को पहनाते हैं नज़दीकी मंदिर में जाकर उन्हें भेंट करते हैं तो यह उपाय भी आपके जीवन के समस्त संकटों को दूर कर देगा तो तुला राशि वालों आज की वीडियो में हमने बात की नौ से लेकर पंद्रह अक्टूबर तक के भविष्य फल के बारे में और हम आशा करते हैं आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा लाइक कर ही दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर लें अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद